चलो 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 चलो, गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे दोस्तों। जस्ट सुबह सुबह के आज बजे हैं, 7 बज चुके हैं सुबह के। और भाई आज पहाड़ का पहला दिन है, वो भी 4 महीने बाद। और सुबह सुबह भाई इस प्राणी ने मुझे दर्शन दे दिए हैं। ये तो बड़ा मुंह खुला मिल ले, एक सांप तो बनता है, इसके नाक पे डंक मारेगा भी। इसको छोड़ो, आमा का सुबह सुबह कारोबार चल गया है। और भाई इतना प्यारा मौसम, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंग व्यू है। हाँ माँ, बारिश आने वाली है अभी, देखो ऐसा माहौल बनता है ना, बस मौसम बिगड़ रखा भैया, बारिश ना आ जाए। और इस सुबह सुबह हराम को पानी ना ऐसा शुरू हो गया मेरे साथ खेलने के लिए। दांत देखिए इसके आप। हाँ माँ, इसके दांत देखो तो बदमाश पानी के। ये खानी है, ये ऐसी करता है ना, आमा का हाथ भी खाता। आमा हाथ था गहरी मेरा, बदमाश प्राणी। तो सुबह सुबह भाई बिना मुंह धोए बालों के हाल तो कुछ ऐसे हो रखे हैं, पूरी एकदम मैगी चाउमीन बन रखी सर में। खैर इनको छोड़ो, तो हम लोग निकले हैं माल्ट देखने। अभी भाई 4 महीने पहले तो यहाँ पे बढ़िया सी लाइव हुआ करती थी, लेकिन अब 4 महीने बाद ना इस सारे पेड़ जो हैं थोड़े बहुत गंजे हो गए, मतलब माल्टे तोड़ने लोगों ने, थोड़े बहुत बचे हैं वो अपने, मतलब अभी थोड़ा धूप आएगी ना, धूप तो कहाँ आ रही है, मौसम ऐसे बिगड़ा हुआ है, फिर खाएंगे अभी। तो भाई आखिरकार तुम्हारे भाई ने मुंह धो ही लिया है, और थोड़ा बहुत हैंडसम भी लग रहा है तुम्हारा भाई, क्योंकि बाल कटे हुए हैं थोड़ा बहुत। यहाँ का पानी तो भाई दिन में तो टंकी में नहाने जाएंगे ना तो काला कर देता है, सुबह सुबह धो गर्म पानी से मुंह, अभी गर्म पानी आ रहा है इस पाइप पे। तो भाई मुंह धोते धोते मेरी नज़र पड़ी थी प्यारे से नींबुओं पर, तो एक तो मेरे हाथ से पहले टूट गया था। तो हमने कहा था भाई आज दिन में हम बढ़िया करके नींबू लहसुन का नमक पीस के नींबू बनाएंगे, लेकिन ऐसा तो भाई लग नहीं रहा कि मौसम जब खुले थोड़ा बहुत खुलने की आशंका लग रही है, पता नहीं क्या होता है आगे। और ये मेरा असिस्टेंट डॉगी ना, ये मेरे साथ ही आया अभी तो ये तो थोड़ा बहुत भाई इतना बड़ा होने लग गया है असिस्टेंट डॉगी मेरा। अरे ए क्या कर रहा है, खराब करता है उसको, बदमाश प्राणी बता दो। तो भाई आमा जो है अभी नंगे पाँव चल रही है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न यह ना, जो ये पीछे प्राणी भागते हुए देख रहे ना, अब ये इस प्राणी ने आमा के चप्पल, जो आमा जंगल जाते हैं जब तो चप्पल खोल देती है, और इस प्राणी ने आमा के चप्पल ही भाई उठा के गायब कर दिया है, बताओ ऐसा सीन चल रहा है। और मौसम थोड़ा भाई आज आँख मिचौली खेल रहा है, धूप आ रही है और धूप जा रही है। अभी वो भैंस ही, अच्छा अंदर ही बांध रहे हो, आज अंदर ही बांध रहे हो भैंस को। भाई सुबह सुबह ठंडा वाला, मैं तो खैर हाफ उतर आया हूँ, लेकिन सुबह सुबह आमा ने एक बहुत अच्छा काम दे रखा मुझे। ये जंगल देख रहे पीछे मेरा, अब ये वाला पीछे, तो आमा ने थोड़ा बहुत सफाई कर ली यहाँ पर को। तो आमा कह रही यहाँ पर को बहुत सारी लकड़ियाँ हुई हैं, उनको मैंने सब समेट के ना कुछ इस तरीके से लगाना है यहाँ पर को, ऐसे ही बस वो काम रहेगा आज पूरे दिन भर का। तो आखिरकार सुबह के 8 बज चुके हैं, और ये है भाई नाश्ता टाइम, नाश्ता बन ही रहा अभी, बाकी प्याज लहसुन के पत्ते, और इसमें उबल रही है अपनी चाउमीन। इसके इंतज़ार में हमारा ये पुतली प्राणी यहाँ पर बैठा है, चाउमीन कब मिली करके इंतज़ार कर रहा अभी। अब मैं बढ़िया करके चाउमीन बनाता हूँ, फिर चाउमीन खाएगा एक बार, उबल लेते इनको ना, बढ़िया चाउमीन पकेगा फिर अपने लिए नाश्ता पानी। तो दोस्तों आखिरकार सुबह सुबह के 9 बज चुके हैं, और भाई मैंने अपने ये पुराने से कपड़े पहन लिए हैं, जो कि मैं जाड़ों में पहना करता खासकर, क्योंकि भाई मैं जा रहा हूँ अभी ऊपर आमा के साथ मदद करने, वहाँ पुरानी लकड़ियाँ पड़ी ना। और भाई एक खुशखबरी है, थोड़ा बहुत मौसम जो है खुलने लग गया भाई, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो कुछ ऐसा हो चुका है भाई मौसम का हाल, एकदम मस्त वाले बादल दिखाई दे रहे हैं आसमान में। तो चलिए भाई चलते हैं काम करने। काम पर जाने से पहले भाई इतने सारे फल तोड़ लिए हैं, तो भाई इसी के लिए तो मतलब मैं अल्मोड़ा से इतनी दूर खिंचा चलाया इन्हीं पहाड़ी माल्टों को खाने के लिए। भाई मैंने इनको बहुत मिस किया, अल्मोड़ा में तो मिल जाते हैं लेकिन वैसा प्योर टेस्ट नहीं आ पाता ना जैसा पेड़ से तोड़ के आता है। अभी तो है खैर, तब तक इनके मजे लेते हैं, और धीरे धीरे मौसम भी खुल रहा है, दिन में हम इंतजाम करेंगे कि हम चूक भी बना पाए, बस चलते हैं काम पे फटाफट। तो प्यारे प्यारे दोस्तों आखिरकार यहाँ पर को, भाई पिछले साल ना एक बड़ा सा पेड़ गिरा था, आपदा में आया था वो, तो अब सूख चुका है ये, तो इसकी बहुत सारी लकड़ियाँ हुई हैं। तो आमा का आदेश था कि इन लकड़ियों को भाई घर तक पहुँचाना है, और ये जंगल भाई काफ़ी ख़तरनाक है यहाँ पर, मतलब थोड़ा वो जो होते ना हिरन घुड़ काकड़, उनने यहाँ अपना वॉशरूम बना रखा है। तो हमारे घर से भाई यहाँ पर इतनी दूरी पर है, और 9:30 हो चुका है, धूप भाई यहाँ तक पहुँच रखी। खैर अब तो धूप की ज़रूरत नहीं है हमें, अब तो चल जाता है काम हमारा ऐसी। और भाई ये
जैसा जंगल है, हाँ ये हमने थोड़ा बहुत साफ कर दिया यहाँ घास काट कूट के। तो आखिरकार काम करते करते मुझे हो चुका है 1 घंटा, और भाई 1 घंटे में मैंने 5-6 माल्टे खा दिए हैं और ये 6 माल्टा खा रहा हूँ अभी। पसीने से मेरी हालत ख़राब भाई यहाँ पर को। और शाम को एक और ड्यूटी है, आज फिर से हमें धार पार निकलना है रंगली नाकुरी की ओर को। तो फटाफट काम करते हैं, ये फिर नहाते धोते हैं फिर चलते हैं। तो दोस्तों आखिरकार आपके बज चुके हैं घड़ी पे 10:48 यानी 11 बजने को है। तो थोड़ा बहुत धूप हमारे घर तक आ चुकी है और आमा और मैंने मिलके भाई इतनी लकड़ियाँ जो है भाई इकट्ठा कर ली हैं ऊपर जंगल से। थोड़ा बहुत और बची लेकिन वो हार्ड भाई ना, बड़ा पेड़ गिरा तो टहनियाँ तो हमने निकाल दी, बाकी पूरा तना बचा है। लेकिन ये लकड़ियाँ जो है आमा की कम से कम 3-4 हफ्ते चल जानी चाहिए आराम से। और भाई सुबह सुबह मुलाकात हो रही है इन मम्मी बकरी से। ए मम्मी बकरी, पहचान नहीं मेरे को? मम्मी बकरी, ओए बकरी के बच्चे, तू तो नहीं पहचानता है भैंसी? कल ये मुझे मार रही थी, हाँ पहचान रही है भैंसी? नहीं पहचानी, छोड़ो खैर इसको अब। तो ये इतने सारे माल्टे आप मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे, तो ये तोड़े थे हमने सुबह, मतलब थोड़ा बहुत जब लकड़ी काटने गए थे ऊपर को थोड़ा बहुत तब तोड़े थे। और ये सारे भाई कितने दाने हैं, 1, 2, 3, 4, ये हैं आपके टोटल 7-8 दाने। तो इनको खाने वाले हम, उसके बाद खाया जाएगा भात भाई। 6 दाने सुबह, 8 दाने अभी भाई, 14 दाने हो चुके हैं। मतलब क्या करे, रहा ना जाए वाली बात हो गई मेरे साथ तो यहाँ। फिर सब खरीद के लाना हुआ फिर। और भाई 12 बज चुके हैं दोपहर के भाई, बढ़िया वाला नाश्ता पानी, मतलब लंच कह सकते हैं, झोली भात थोड़ा घी भी डाला ऊपर से भाई, बढ़िया करके फिर नहाना भी है फिर जाना है भाई। गुड आफ्टरनून प्यारे प्यारे दोस्तों। तो आखिरकार भाई मैं एकदम नहा धो के मस्त रेडी हो चुका हूँ 1:20 पे, और नीचे से आते हुए थकान भी लग गई है। और अपने साथ में 2 नींबू ले आए, तो आमा अभी नीचे खेत में गई है लहसुन के पत्ते धनिया लेने। तो बढ़िया करके भाई हम नींबू बनाने वाले हैं। तो बस इसके बाद लगभग 3-4 बजे के आसपास मुझे धार पार निकलना है, क्योंकि कल हम एक बहुत ही बढ़िया जगह पर जा रहे हैं कल देखने के बाद। खाना आमा थक गई है, हेलो बढ़िया बोले। चलो भाई थोड़ा नमक कम तो नहीं हो जाएगा ये दोनों कम तो नो? बस बस भाई नमक पीसो, तब तक मैं इनको छील छाल के ना बढ़िया करके बनाता हूँ। लो भाई आमा डालो इसमें मसाला पानी, अब इसमें डालो मसाला पानी। भाई आमा के हाथ से बना नींबू खाएंगे, तो डाल दो भाई, डाल दियो डाल दियो, नहीं करना बचो हमें, नहीं ध्यान दे या बचो हमें, नहीं जल ये भाई जो खाने को मिलेगा। ये किसके लिए रखा आपने आप बोरे? भगवान कैसे? भगवान उधर ले आजा, आ खाएगा, ये तो गर्मी से परेशान थोड़ा हवा चल रही ना अभी तब। अरे भाई थाली में दे रहे हो मुझे है? तो भाई अब है रिव्यू का टाइम, कैसा लग रहा आपको? अच्छा लग रहा, खट्टा ज्यादा है ना? फिर गुड़ अब ऐसे खाओ बिना गुड़ के, खट्टा खट्टा खाओ मस्त एकदम। गुड आफ्टरनून दोस्तों, ये समय है आपका दोपहर के 2:08, और भाई यहाँ पर को तो इतनी खतरनाक हवा चल रही है ना भाई, बहुत भयंकर हवा चल रही है। तो देख सकते हैं आप, अरे वो कौन प्राणी घुसा है हमारे खेत में? तो आमा चली गई खेत में, आमा करी भाई मैं घास उखाड़ूंगी ना, और गेहूं भाई लहर खा रहे हैं। हाँ, तो आखिरकार 2:19 पे ना मैं फिर से माल्टे खेत पहुंच गया हूँ भाई। मैंने यहाँ पे 2-3 माल्टे झड़ा रखे हैं, और कुछ माल्टे बीमार भी हैं तो उनको भैंस को दे देते हैं। और हमारे मुझे बकरियों की ड्यूटी भी दी थोड़ा टंकी के ऊपर ना, अभी थोड़ी देर में जाएंगे ऊपर बकरी भी देखेंगे, और टंकी के हाल हमारे पहाड़ी स्विमिंग पूल के क्या हाल है वहाँ भी नज़र डालेंगे थोड़ी देर बाद हम लोग। तो दोस्तों आखिरकार मुझे यहाँ पर को आग जलानी पड़ रही है, लेकिन दिख रही है खैर कैमरे में को नजर तो आ नहीं रहा है। तो छोड़ो भाई, भयंकर आग जल चुकी है क्योंकि थोड़ा बहुत धुआं होगा ना, धुआं तो बाघ का खतरा रहता है ऊपर को, बाघ नहीं आए यहाँ पर को, ये बकरी भी यहीं पर को है।
और भाई मुझे एक बड़ी खतरनाक बेल मिली है, आपको दिखाता हूँ पहले मैं। तो यहाँ पर मुझे मिली है ये तरुड़ की बेल, तोड़ बोलते हैं कहीं कहीं, हमारे वहाँ तरुड़ बोलते हैं इसे। तो बेसिकली आपका ये जंगली वाला है, लेकिन भाई इसको खोदने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। और चलते चलते मेरे कदम बढ़ रहे हैं भाई अपने इस टंकी की ओर को, अपने टंकी का हाल कुछ ऐसा है। भाई यहाँ तो बहुत कचरा हुआ है, ये मतलब नहाने वाला आदमी नहाएगा भी कैसे, सफाई करनी पड़ेगी इसकी पहले। तो आखिरकार 4:06 पे, 7 मिनट हो गया अब तो इतनी जल्दी। ठीक है अम्मा भाई, हाँ ये बकरे का ध्यान रखो, ये पुतले का ध्यान रखो। अभी भी धूप है भाई, खतरनाक वाली धूप चल रही है अभी भी। तो अपना सफर चल पड़ा है भाई रंगीली नाकुर की ओर को, थोड़े बहुत माल्टे तोड़ते हैं सफर में, और पूरे दिन में मतलब कितने माल्टे खा दूंगे मैंने, 8, 6, 14, 17, 18 माल्टे खा दिए मैंने। 4:09 पे भाई कुछ ऐसा हो चुका है, धूप यहाँ जा रही है अब यहाँ। बाकी हमने इस पुतीले को बांध दिया था, ये उखली पे सर रख के रो रहा है। 9 मिनट हो गए बाबा, आप भी घास काटने जाओ। हाँ थोड़े बहुत माल्टे गिराता हूँ। तो आखिरकार अपनी गाड़ी चल पड़ी है भाई, अभी चिड़िया में गाँव की आ गया साल आगे से। 4:17 हो चुका है, चल पड़ी अपनी गाड़ी। और भाई कल सुबह हम लोग, कल दिन में हम लोग बहुत दूर चले होंगे, पिथौरागढ़ जा रहे हैं। लोकेशन नहीं बताऊंगा आपको, खुद ही पता चल जाएगा बाद में जब आप कल का वीडियो लॉग देखेंगे। गुड इवनिंग प्यारे प्यारे दोस्तों, शाम के 5 बज गए हैं और अभी मौसम ना चारों ओर से जो है आसमान से मतलब आसमान में बादल घिर चुके हैं। तो दानपुर वैली ना ऊपर को, ये यहाँ से मुझे लग रहा है बारिश आ रही है, बारिश के बाद चल रही ठंडी। गुड इवनिंग दोस्तों, ये समय है आपका 5:20 और भाई मेरे पीछे आप देख रहे हैं दानपुर का बढ़िया नज़ारा। लेकिन भाई दानपुर में कुछ ऐसा हाल चल रहा है, ये इतनी खतरनाक हवा चल रही है अभी। और दानपुर भाई, दानपुर में बादल बरस रहे हैं, इतने खतरनाक बादल। और भाई कल हम जाने वाले हैं, बता दूं खैर ये जो पहाड़ दिख रहा है आपको सामने ही है, कल हम जाने वाले हैं इसके पार, बहुत पार, 4-5 पहाड़ दूर। तो दोस्तों ये है 5:36 और भाई मुझे उतरना पड़ा जैकेट में, क्योंकि तो पीछे मौसम नहीं, पीछे का मौसम थोड़ा बहुत बीमार टाइप का हो गया, ख़राब हो गया मौसम। बाकी सकुशल पहुँच चुके हैं भाई, थोड़ा सा बचा यहाँ से नीचे को, फिर पहुँच जाएंगे।